चीन को लगातार आर्थिक मोर्चे पर भारत झटका दे रहा है। अब भारत सरकार ने रंगीन टेलीविजन सेट के आयात पर बैन लगा दिया। चीन से बड़े पैमाने पर कलर टीवी भारत मंगाए जाते थे, लेकिन अब सरकार ने उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। प्रधानमंत्री के दौरे के चलते अयोध्या को चारों तरफ से सील करने की तैयारी। अयोध्या समेत फैजाबाद शहर में प्रवेश के सभी मार्गों पर पूर्व में किए गए इंतजामों की मॉनिटरिंग जारी। 4 अगस्त की शाम से किसी को भी अयोध्या में नहीं मिलेगी एंट्री। वीवीआईपीज को शहादतगंज से अयोध्या में एंट्री देने की योजना। 2 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से जाएंगे अयोध्या। राम मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियों को खुद देखने जाएंगे सीएम। पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों को दूसरी बार देखेंगे सीएम योगी। पीलीभीत में सरकारी अमले में कोरोना कहर जारी। सरकारी अमले के 6 लोग कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप। 1 ACMO, BSA स्टेनो, CMO स्टेनो समेत CMO ऑफिस के 2 लोग निकले कोरोना पॉजिटिव। BSA ऑफिस को 48 घंटे के लिए कराया गया बंद। संभल के कुर थाना इलाके में दुकान बनकर घर जा रहे खादी व्यापारी की हत्या। 2 बाइक सवार बदमाशों ने बाइक रोकी और उन पर ताबड़तोड़ फायर कर दिया, जिससे व्यापारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि व्यापारी का बेटा घायल हो गया। गंभीर हालत में व्यापारी के बेटे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं व्यापारी की हत्या की खबर मिलते ही संभल में ब्राह्मण समाज के सैकड़ों लोगों ने रोड जाम कर यूपी सरकार और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। आक्रोशित लोगों ने पुलिस को 24 घंटे में हथियारों को पकड़ने का अल्टीमेटम दिया है। वहीं SP का कहना है कि बदमाशों को पकड़ने के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। मुरादाबाद में रोडवेज की चलती बस में तमंचे के बल पर 2 बदमाशों ने कंडक्टर के साथ लूट की। नकदी का बैग और टिकट काटने की मशीन लूटकर बदमाश भाग गए। उत्तर प्रदेश परिवहन की ये बस बदायूं से मुरादाबाद जा रही थी। कंडक्टर के मुताबिक बैग में लगभग 2000 रुपए रखे थे। बिलारी कोतवाली इलाके के हथनीपुर गांव के पास हुई लूट की वारदात। मुजफ्फरनगर के तितावा थाने में घायल हालत में पहुंचा युवक। अगेन बाइक सवार युवकों पर गोली मारने का लगाया आरोप। आनंद फाना में वहाँ मौजूद पुलिसकर्मियों ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। बरेली में ट्रेन के पंखे से लटका मिला युवक का शव, कई दिन पुराना बताया जा रहा है शव। आला हजरत एक्सप्रेस में सुल्तानपुर के विजय का शव मिलने से हड़कंप। जंक्शन के रेलवे यार्ड में खड़ी थी ट्रेन। अलीगढ़ के थाना जवा क्षेत्र में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से हुई फायरिंग, एक बदमाश घायल जबकि उसके 2 साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। फरार बदमाशों की तलाश में इलाके में कॉम्बिंग कर रही पुलिस। पकड़े गए बदमाश पर अलीगढ़ के अलावा कई जनपदों में मुकदमे चल रहे हैं। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि तीनों बदमाशों ने इगलास थाना क्षेत्र में बाइक लूटने की योजना बनाई थी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने इनके मंसूबे में पानी फेर दिया। मिर्जापुर के चुनार में अस्थायी जेल से भागे 2 कैदियों में एक की पुलिस से मुठभेड़। कैदी के पैर में लगी गोली। कल सुबह 2:30 बजे खिड़की तोड़कर भाग गए थे कैदी। जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। बरेली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश और एक सिपाही घायल, दूसरा बदमाश हुआ फरार। बरेली के थाना शाही के ग्राम गणेशपुर में हुई थी मुठभेड़। मऊ में पुलिस ने मुठभेड़ में 4 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। उनके कब्जे से एक पिस्टल, 2 तमंचे, कारतूस, 2 मोबाइल फोन और एक बाइक बरामद। इस दौरान 2 अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब। मुरादाबाद में निजी अस्पताल पर COVID-19 के नियमों का उल्लंघन करने का गंभीर आरोप लगा है। एक शख्स ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिस पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए हॉस्पिटल पर छापा मारकर जांच की। छापे में अधिकारियों को अस्पताल में काफी कमियां नजर आईं। मुरादाबाद नगर निगम की तरफ से थाना गलशहीद में हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। वहीं प्रदूषण विभाग और चिकित्सा विभाग भी अवैध रूप से बिना अनुमति के बिना बेसमेंट में अस्पताल चलाने के आरोप में कार्रवाई में जुटा है। अधिकारियों का कहना है कि अगर डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए गए तो हॉस्पिटल को भी सीज किया जा सकता है। कानपुर में भी कोविड मरीजों की जानकारी छिपाने और इलाज में लापरवाही पाए जाने के बाद तुलसी हॉस्पिटल के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। दरअसल अस्पताल ने 61 साल की एक महिला को भर्ती कराया था। कोविड जाँच की गयी तो महिला पॉजिटिव निकली, लेकिन CMO को ये बात नहीं बताई गयी। काशीपुर में गुलदार के आतंक से डरे सहमे प्रोफेसर कॉलोनी के लोग। गुलदार ने कॉलोनी से गुजर रहे एक युवक पर हमले की भी कोशिश की। वन विभाग की टीम कई स्थानों पर कैमरे लगाने के साथ ही झाड़ियों में जाकर गुलदार की तलाश कर रही है।
पिथौरागढ़ में आपदाग्रस्त इलाके के दौरे पर पहुंचे विधायक हरीश धामी की जान भी बाल बाल बची। वो पथरीले रास्ते से जा रहे थे, इसी दौरान हरीश धामी गिर पड़े और मौके पर मौजूद लोगों ने उनकी जान बचाई। आधा बह गए थे। आप देखेंगे माननीय विधायक जी को, ये देखेंगे आप हरीश धामी जी पूरे कीचड़ में बहते बहते बच गए। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड का रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पहाड़ किस तरह से दरक रहा है। अमरोहा के हसनपुर क्षेत्र में दबंगों की दबंग गई। विधवा महिला को दबंगों ने पीटा, महिला को सरे बाजार मारता हुआ ले गया दबंग। महिला ने आरोपी पंकज पर तमंचे के बल पर दुष्कर्म करने का लगाया आरोप। फिरोजाबाद का सरकारी ट्रॉमा सेंटर बना अखाड़ा। मोबाइल चोरी के आरोप को लेकर सफाई कर्मचारी और मरीज के तीमारदारों में हुई मारपीट। झाड़ू से दोनों ने एक दूसरे को पीटा, पिटाई का लाइव वीडियो आया सामने। बस्ती के कोतवाली थाना क्षेत्र में दो बाइक सवारों के बीच मारपीट, बीच सड़क मोटरसाइकिल सवारों में जमकर हुआ दे दनादन। रोड पर मारपीट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। बागपत के बड़ौत शहर में एक सिपाही पर चार बदमाशों ने हमला बोल दिया। बदमाशों ने कार में तोड़फोड़ की और सिपाही को चाकू भी मारा। दिल्ली पुलिस का सिपाही अवकाश पर अपने घर आया हुआ था। सिपाही के मुताबिक आरोपी बाइक पर थे और साइट को लेकर विवाद हुआ था। जालौन पुलिस ने लॉकडाउन का पालन न करने वालों को दी अनोखी सजा। मास्क न पहनने पर लोगों से 3 किलोमीटर पैदल चलवाई गाड़ी। पीड़िता की कांस्टेबल की पत्नी ने की थी पिटाई। पीड़िता के घर पर किराए पर रहता है कांस्टेबल, किराया मांगने पर गाली देने और मारपीट का आरोप। प्रयागराज में हुए सड़क हादसे में सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट की मौत। कार को काट कर बाहर निकाला गया शव। छुट्टी खत्म होने के बाद स्विफ्ट डिजायर कार से जा रहे थे दिल्ली। मिर्जापुर के चुनार थाना क्षेत्र में दो ट्रकों में टक्कर के बाद लगी भयंकर आग। ट्रक चालक हादसे में घायल। स्थानीय लोगों ने ट्रक में लगी आग पर पाया काबू। वाराणसी के चौबेपुर में शिव मंदिर में सोने चांदी के गहनों से भरी एक पोटली मिली। अब पुलिस सीसीटीवी के जरिए आने वाले लोगों की पहचान करने में जुटी। टिहरी में रोड चौड़ा करने के चलते करीब एक दर्जन से अधिक गांव को जाने वाले रास्ते क्षतिग्रस्त। कई जगह पर तो रास्ते गायब। पगडंडियों के सहारे अपने गांव तक पहुंच रहे ग्रामीण। बरेली में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 9 युवतियां पश्चिम बंगाल सहित देश के अन्य इलाकों से लाई गई थी। लखीमपुर खीरी में नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। अचानक आई बाढ़ से परेशान हुए लोग। बाढ़ के बीच जिंदगी गुजर बसर करने को मजबूर ग्रामीण। बाराबंकी जिले में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। सरयू नदी में लगभग 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद से तराई के दर्जनों गाँव में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। श्रावस्ती में राप्ती नदी फिर खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। राप्ती की लहरों ने यहां कई दर्जन गांव को अपनी आगोश में ले लिया है, जिससे कई गांव में पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी से घिरे लोग पलायन करके सुरक्षित स्थानों की तलाश कर रहे हैं। कई लोगों के मकान और सैकड़ों बीघा जमीन कटकर राप्ती में समा गई है। पीलीभीत में शारदा नदी किनारे बसे करीब आधा दर्जन गाँव में जल भराव हो गया है। जिला मुख्यालय से संपर्क टूटने के कारण 4 जिलों से होकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मदद पहुंचाना जिला प्रशासन के लिए चुनौती का सबब बना हुआ है।
मुजफ्फरनगर में पूर्व प्रधानपति की फावड़े से काटकर निर्मम हत्या, हिस्ट्री शीटर भी रह चुका है प्रधानपति। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौके से हत्या में इस्तेमाल किए गए फावड़ा बरामद। थाना तितावी क्षेत्र के गांव मुकुंदपुर का मामला। नोएडा पुलिस ने दो दिन पहले 2 साल के बच्चे के अपहरण के मामले का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने बताया कि बच्चे का अपहरण चंद पैसों की खातिर चचेरे भाई ने किया था। कार्रवाई से घबराकर अपहरणकर्ताओं ने मासूम को पार्क में छोड़ दिया और मौके से फरार हो गए। कन्नौज के जिला अस्पताल का नवनियुक्त CMS डॉक्टर शक्ति वासु ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल परिसर में गंदगी देखकर CMS भड़क उठे। मेडिकल स्टाफ को जमकर लगाई फटकार। गाजीपुर में 42 कोरोना पॉजिटिव मरीज लापता हैं और उनका पता जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन नहीं लगा पा रहा है। जिले में रोजाना 50 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में 42 कोरोना मरीजों के लापता होने की वजह से संक्रमण का खतरा और बढ़ गया है। बलिया के जिला कारागार में कुल 817 बंदियों में से 224 बंदी और 4 जेल स्टाफ कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को अस्थायी कारागार बनाने की कवायद में जुट गया है, जहां नए आने वाले बंदियों को 15 दिन के लिए रखा जाएगा। IMA गोरखपुर की ओर से प्रदेश के पहले L2 और L3 पेट कोविड अस्पताल का शुभारंभ हुआ। DM के विजेंद्र पांडेयन ने दीप प्रज्वलित कर अस्पताल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये अस्पताल पूर्वांचल के लिए एक वरदान है। बिहार की नीतीश सरकार ने शहरी क्षेत्रों में 16 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। इस दौरान सरकारी दफ्तर 50% कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ काम करेंगे। लॉकडाउन के दौरान बिहार में जरूरी सेवाएं पहले की तरह चालू रहेंगी। राज्य में नाइट कर्फ्यू जारी रखने का फैसला लिया गया है। यूपी में 24 घंटे में 88,967 सैंपलों की हुई जांच। एक्टिव केसों की कुल संख्या 32,649 पहुंची। 46,803 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए। 7,198 लोग होम आइसोलेशन में भर्ती। कोरोना संक्रमण से प्रदेश में अब तक 1,587 लोगों की हुई मौत। आत्मनिर्भर यूपी को लेकर MSME अधिवेशन में बोले MSME मंत्री। सिद्धार्थनाथ ने कहा, लगातार उठा रहे हैं कदम। आत्मनिर्भर यूपी के सपने को करना है सच। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अपने आवास पर बिकरू कांड में शहीद हुए CO देवेंद्र मिश्रा और SO महेश कुमार यादव के परिजनों से मुलाकात। इस दौरान दोनों ही परिवारों को CM ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। साथ ही आरोपियों को सख्त सजा दिलाने का भरोसा जताया है। प्रियंका वाड्रा ने गोरखपुर अस्पताल के ऑक्सीजन कांड को लेकर चर्चा में आए डॉक्टर कफील खान को लेकर CM योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र। पत्र में कांग्रेस नेता ने कफील खान को न्याय दिलाने में उनकी पूरी मदद करने का अनुरोध किया है। प्रियंका ने सरकार से की डॉक्टर कफील को न्याय देने की मांग। कहा, संवेदनशीलता का परिचय दे सरकार। प्रियंका गांधी ने 35 लोधी एस्टेट का बंगला किया खाली। गुरुग्राम में हुई शिफ्ट, 1 अगस्त तक खाली करना था प्रियंका गांधी को बंगला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट करके लिखा, मोदी देश को बर्बाद कर रहे हैं, उनकी पूंजीवादी मीडिया ने एक मायाजाल रचा है, ये भ्रम जल्द ही टूटेगा। यूपी से राज्यसभा सांसद बेनी प्रसाद वर्मा के निधन के बाद खाली हुई सीट पर उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। रिक्त हुई राज्यसभा सीट पर 24 अगस्त को उपचुनाव होगा। बेनी वर्मा का कार्यकाल जुलाई 2022 में खत्म होना था। उपचुनाव की अधिसूचना 6 अगस्त को जारी की जाएगी। यूपी सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का OSG कुलदीप पाल गिरफ्तार। उनके साथ 3 महिला बाउंसर सहित 1 दर्जन से अधिक प्राइवेट बाउंसर भी गिरफ्तार किए गए। OSG कुलदीप पाल करोड़ों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने पहुंचे थे। PM मोदी के अयोध्या दौरे पर सुरक्षा होगी सख्त। 1 अगस्त को अयोध्या पहुंचेगी SPG की टीम। सारे सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेगी SPG। आतंकी अलर्ट के मद्देनजर सुरक्षा के खास इंतजाम। अयोध्या में चप्पे चप्पे पर रहेंगे सुरक्षा बल। अयोध्या में भूमि पूजन को लेकर देश भर में उत्साह। गुरुवार को काशी से मिट्टी और जल अयोध्या के लिए रवाना हुआ। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद घाट की मिट्टी अयोध्या लेकर गए। राम मंदिर निर्माण के लिए ब्रिज भूमि के समस्त मुख्य तीर्थ स्थलों की मिट्टी का प्रयोग होगा। इसी को लेकर ब्रिज से आए साधु संतों ने कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से भेंट की। CM योगी ने ब्रिज से भी आई मिट्टी के दर्शन किए। साधु संत 3 अगस्त को ब्रिज की रज को ट्रस्ट को सौंपेंगे।
बुलंदशहर के धर्मगुरु ने श्री राम जन्मभूमि के शिलान्यास के लिए विशेष जल, पावन मिट्टी और अभिमंत्रित रुद्राक्ष, चांदी के सिक्के, वास्तु दोष यंत्र, सर्प जोड़ा एवं नवरत्न भेजे हैं। ये सारा सामान शहर के द्वादश महालिंगेश्वर सिद्ध महापीठ के धर्मगुरु आचार्य मंजीत धर्मध्वज जी की तरफ से अयोध्या भेजा गया है। जालौन से भी अयोध्या के लिए भेजी गई पवित्र मिट्टी, प्राचीन मंदिर दोहर सरकार की भेजी गई मिट्टी, कोंच कस्बे में स्थित है प्राचीन मंदिर, बीएचपी ने मिट्टी जमा कर उसका हवन पूजन किया। कानपुर पुलिस लाइन में रक्तदान शिविर का एसपी सिटी ने किया उद्घाटन। शिविर में 8 पुलिसकर्मियों की शहादत को याद करते हुए पुलिसकर्मियों ने किया रक्तदान, महिला पुलिसकर्मी ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। बकरीद को लेकर बलरामपुर पुलिस मुस्तैद, एसपी ने शहर शहर गांव गांव मुनादी के लिए 137 टीमें बनाई। पुलिस घूम घूम कर रही है मुनादी, घर पर ही कुर्बानी की दे रही नसीहत, नियम तोड़ने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। रक्षाबंधन और बकरीद त्योहारों को देखते हुए रोडवेज निगम ने यात्रियों की सुगम और सुरक्षित यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। यूपी रोडवेज ने नोएडा में त्योहारों को देखते हुए बसों के बेड़े को बढ़ाकर 160 कर दिया है। बसों का सैनिटाइजेशन, यात्रियों के लिए मास्क अनिवार्य, बसों में एंट्री के समय हैंड सैनिटाइजेशन सहित सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। आगरा में महिलाओं का अनोखा प्रदर्शन, प्राइवेट बिजली कंपनी टोरेंट के बढ़ते बिलों की वजह से लॉकडाउन का 3 महीने का बिजली बिल माफ करने के लिए शहर की महिलाओं ने टोरेंट कर्मचारियों को 101 राखियां भेजी। महिलाओं ने टोरेंट पावर से 3 महीने यानी लॉकडाउन के दौरान का बिजली बिल माफ करने की मांग की है। श्री बांके बिहारी मंदिर में इस बार श्रद्धालु डाक और कोरियर के द्वारा ठाकुर जी को राखी भेज रहे हैं। दरअसल कोरोना के कारण मंदिर बंद होने के चलते श्रद्धालु डाक से राखी भेज रहे हैं। लखनऊ के बाजार में नई और अद्भुत राखी रक्षाबंधन पर आई है। सिल्वर स्वीट्स और बॉक्स के साथ साथ चांदी की कोरोना राखी बनाई जा रही है, जो लोगों को खूब पसंद आ रही है। व्यापारियों का कहना है कि इस राखी से कोरोना का डर दूर भागेगा। ओम प्रकाश उत्तराखंड के मुख्य सचिव बन गए हैं। उत्पल कुमार की जगह ओम प्रकाश को मुख्य सचिव बनाया गया है। 1987 बैच के IAS अफसर हैं ओम प्रकाश। बिहार के बांका जिले के रहने वाले हैं ओम प्रकाश। यूपी में भी कई अहम पदों की संभाल चुके हैं जिम्मेदारी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत रुद्रपुर के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान सीएम ने सुमेर शुक्ल मेडिकल कॉलेज में 300 बेड के कोविड हॉस्पिटल का लोकार्पण किया। इसके साथ ही सीएम ने बाजपुर में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने और राहत कार्यों की समीक्षा बैठक की। फिल्म शूटिंग के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने ना तो मास्क लगाया और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा। इससे पहले भी बंशीधर भगत ने लॉकडाउन के नियमों का कई बार उल्लंघन किया है। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर की पहाड़ी पर बरसात के सीजन में हर साल भूस्खलन होता है। IIT रुड़की ने भी अपने सर्वे के दौरान साफ किया था कि मनसा देवी की पहाड़ी कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है, मगर अभी तक इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। देवभूमि उत्तराखंड में साइबर ठग पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। साइबर ठगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने पुलिस कर्मियों के नाम से फेक अकाउंट तक बना लिया है। साइबर ठग सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर ठगी कर रहे हैं। कोटद्वार में कांग्रेसियों ने मालवीय उद्यान में राज्य सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। नदियों में रिवर ट्रेनिंग के नाम पर अवैध खनन का लगाया आरोप। रिवर ट्रेनिंग चैनलाइजेशन की अवधि बढ़ाने पर राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। मसूरी में टैक्सी कार ओनर एसोसिएशन का प्रतिनिधि मंडल उप परिवहन आयुक्त से मिला। रोड टैक्स और फिटनेस संबंधित समस्याओं के समाधान की मांग। मांगे ना पूरी होने पर गाड़ियों के कागजात परिवहन विभाग में जमा कराने को कहा। ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस बनवाने वाले लोगों को अभी और इंतजार करना होगा। देहरादून RTO ने ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस के आवेदन फिलहाल बंद किए हैं। वैक्यूम बेस्ड रोड क्लीनर जटायु मशीन 6 महीने से जंग खा रही। बरसात के सीजन में मशीन से उठाया जाता है कूड़ा। 1 साल पहले 6 लाख की लागत से खरीदी गई थी मशीन। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। कहा सरकार गिराने का पूरा खेल बीजेपी ने रचा है, उनके नेताओं को जनता माफ नहीं करेगी। गहलोत ने मायावती पर भी निशाना साधा। कहा मायावती जो बयानबाजी कर रही हैं, वो बीजेपी के इशारे पर ही कर रही हैं।
बागी विधायकों को लेकर तंज भरे लहजे में अशोक गहलोत ने ट्वीट करके कहा, विधानसभा सत्र की तारीख तय होने के बाद रेट बढ़ गया है, अनलिमिटेड रेट हो गया है। जिन लोगों ने पहली किश्त नहीं ली है उन्हें वापस आ जाना चाहिए। बीजेपी के नेता छिप कर दिल्ली जाते हैं, उन्हें ईश्वर सद्बुद्धि दे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया। राजधानी में कोरोना वायरस के संकट के बीच केजरीवाल सरकार ने डीजल का दाम घटाने का फैसला लिया। दिल्ली में डीजल पर अब सिर्फ 16% वैट लगाया जाएगा। केजरीवाल सरकार की इस राहत के साथ दिल्ली में अब डीजल के दाम 8.36 रुपए प्रति लीटर की कमी आएगी। इससे अब डीजल के दाम 8 रुपए कम होंगे। डीजल अब 73.64 रुपए प्रति लीटर से मिलेगा। राज्य में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए फैसला लिया गया। बसपा प्रमुख ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सीबीआई जांच करने की मांग की। मायावती ने ट्वीट कर लिखा, मामले की जांच महाराष्ट्र बिहार पुलिस से बेहतर है कि जांच सीबीआई ही करे। मणिपुर में असम राइफल्स के जवानों पर उग्रवादियों ने किया हमला, 3 जवान शहीद, 6 गंभीर रूप से घायल। पाकिस्तान ने भारत के राफेल फाइटर जेट खरीदने पर कड़ा एतराज जताया है। पाकिस्तान ने कहा कि भारत अपनी जरूरत से ज्यादा हथियार जमा कर रहा है, इससे हथियारों की रेस शुरू हो सकती है। अंबाला एयरबेस पहुंचे राफेल फाइटर जेट ने पाकिस्तानी वायुसेना की बेचैनी बढ़ा दी है। पाक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने आपात बैठक की। पाकिस्तान के पेशावर में इश्क निंदा के आरोपी अमेरिकी नागरिक को अदालत में घुसकर गोली मार दी गई। अमेरिका ने ट्वीट कर इस घटना की निंदा कर तुरंत एक्शन लेने को कहा। अमेरिका ने पाकिस्तान से अपील की है कि वो आरोपियों पर सख्त एक्शन ले और आगे इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाए। टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पापा बन गए हैं। उनकी पत्नी नताशा स्टेनकोनविक ने बेटे को जन्म दिया है। हार्दिक ने अपने इंस्टाग्राम पर बेटे का हाथ अपने हाथ में लिए हुए एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर के साथ पांड्या ने कैप्शन में लिखा, हमें हमारे बेटे का सौभाग्य मिला है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच 5 अगस्त से 3 टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू होगी। मेजबान इंग्लैंड ने पहले टेस्ट मैच के लिए अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं करने का ऐलान किया। इंग्लैंड ने वही टीम चुनी जो वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-1 से जीतने में सफल रही है। 24 कैरेट सोना औसतन 341 रुपए उछलकर 53,354 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव से खुला। बुधवार को ये 53,013 पर बंद हुआ था। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 54,000 के पार पहुंचा। वहीं चांदी 1,040 रुपए प्रति किलोग्राम सस्ती होकर 63,260 के रेट से खुली। बुधवार को चांदी 64,300 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। सैमसंग ने अपने ऑनलाइन स्टोर पर 3 नए प्रोग्राम की घोषणा की है। इन प्रोग्राम के नाम सैमसंग रिफेरल प्रोग्राम, सैमसंग स्टूडेंट प्रोग्राम और सैमसंग शॉप 20 के एडवांटेज है। इन प्रोग्राम्स के तहत samsung.com विजिट करने वाले ग्राहकों को ऑफर्स दिए जाएंगे। फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी पत्नी आलिया सिद्दीकी के बीच चल रहा विवाद थाने तक पहुंच गया। उनकी पत्नी आलिया ने एक FIR मुंबई के वर्सोवा थाने में दर्ज कराई है, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई पर संगीन आरोप लगाए गए हैं। मुकदमा दर्ज होने के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई फैजुद्दीन सिद्दीकी ने आलिया के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। कहा, आलिया 30 करोड़ रुपए की मांग कर रही है और पैसे न देने पर परिवार को बदनाम करने की साजिश रच रही हैं। सुशांत मामले में महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री शंभूराज देसाई ने कहा कि मुंबई पुलिस लगातार जांच कर रही है और ऐसी स्थिति में ये मामला सीबीआई को देने की कोई वजह नजर नहीं आती है। दरअसल सुशांत मामले में मुंबई पुलिस द्वारा सिर्फ ADR दर्ज किया गया है, यानी एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट, जबकि बिहार पुलिस ने इस मामले में पहली बार FIR दर्ज की है।